क्या मूवी है अब तक करर हो के यू होना चाहिए ये कट्स ऑफ टू यू हाय गाइस वेलकम टू सिटी व्लॉगशिप चैनल। तो आज मैं आ चुका हूँ फर्स्ट डे नाइट शो, सबसे लास्ट शो के। देख सकते हो कितनी बड़ी पोस्टर है जवान मूवी की, तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं मूवी को देखने के लिए। Are you guys excited for the Jawan movie? Yeah, kind of. So, anyone watch the review? No. No review because we want to be surprised by. Oh, that's great. But yeah, the trailer tells it a lot. Yeah, for that's true. And that even brings a lot of excitement. Yeah. What do you think? Of course. That's nice. So, are you a SRK fan? No, I'm Salman. He's Salman fan. We got him. We actually kidnapped him. So Salman is promoting, that's why. Yeah, oh boy. So भाई लोग अभी एंट्री कर रहे हैं अपन। अभी आया, देखो लेट हो गया इसको। इंटरवल हो चुका है, अभी हम आ चुके हैं बाहर। भाई क्या मूवी है अब तक, स्टार्टिंग कैलाश ने मिस कर दिया है, लेट आया भाई, इसकी किस्मत ही खराब है। वो जाने दो, मैंने देखा ये बेक करर हो के यू होना चाहिए, ये गाना बहुत ही अच्छा मूवी बनाई है। मतलब मूवी स्टोरी वगैरह बहुत ही एकदम फैंटास्टिक है, में एक बार देखने जैसा है। और इंटरवल अभी बाकी इंटरवल हो गया है, अभी देखते हैं नेक्स्ट इंटरवल के पार्ट कैसा लगता है। आप सभी को देखना चाहिए यार, क्या एंट्री, इतना धांसू एंट्री आज तक नहीं देखा मैं, इतना मजा आया। और साथ में जब आता है, जो सीन आता है शाहरुख खान के बाप, अरे भाई खतरनाक, तुम्हें देखना चाहिए, हर किसी को देखना चाहिए, मजा आएगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट शॉट, बहुत ही अच्छा है इसमें फाइट्स। चलो आगे का देखते हैं, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं तो 3-4 बार और देख लूंगा ये मूवी। चलो देखते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट। तो मूवी बोरिंग नहीं लग रही है, अच्छी लग रही है। अच्छी अब तक का बेस्ट 2023 का, अभी तक का सबसे बेस्ट। बहुत बढ़िया पिक्चर है यार, बहुत एक्साइटेड है। और एक्शन तो लाजवाब है, कोई टुकड़ी नहीं है। उसका जो बाप है शाहरुख खान का, स्पॉइलर दे रहा हूँ, स्पॉइलर दे रहा हूँ, वो बहुत खतरनाक है यार। स्टार्टिंग भी खतरनाक हुई और इंटरवल तक, तो जो एंडिंग है अब तक फिलहाल इंटरवल तक अमेजिंग थी, बहुत बढ़िया। चलो मुझे बताओ मूवी कैसी लगी? या इट स्टार्टेड वेरी वेल, इट वाज एक्सप्लोसिव एंड वी एंजॉयड इट अ लॉट। ओके दैट्स ग्रेट। कितना स्टार देना चाहोगे आप? आउट ऑफ या 4 out of 5। अच्छा 4 out of 5। मूवी देख करके, मूवी बहुत अच्छा है, शाहरुख खान का एक्टिंग बहुत अच्छा है। आउट ऑफ 5 कितना स्टार देना चाहोगे? 5 out of 5। And a good message to all Indians. That's it. That's thank great. You. Out of 5 stars, how many? I would rather give 5 out of 5, definitely. And that's nice, lovely. Must watch full action. Shahrukh Khan special. मूवी बहुत अच्छी थी और ज़रूर देखना चाहिए मूवी, और इतनी पैसा वसूल मूवी थी ना, ग्रेट 5 star मूवी है, बहुत अच्छी। It's a really nice movie. थोड़ा सा social message दिया हुआ है, which is really nice. I happen to like the movie a lot. I obviously like Shahrukh Khan, so that couldn't be the reason for me telling people to not watch the movie. It's actually a very nice movie. It's a great comeback by Shahrukh Khan once again. So this movie actually delivers a lot.
than what it did previously. Okay, the director actually, the cast is good. The movie actually, the storyline, the movie holds you. So it doesn't lose the kid. So which Shah Rukh Khan you like the most? The son one, the father one? I like Vikram Rathore. Father one, yes. Aray, uska swag hi alag tha, right? That's nice. So overall, out of 5, how much rating would you like to give? I give 4. 4, so okay. Yeah. So movie toh kaafi interesting thi. इसमें आपने मैंने देखा है कि डबल रोल शाहरुख खान का और संजय दत्त का भी मस्त एकदम रोल देखने को मिला. शाहरुख खान बाप बेटे का रोल है. बाप का तो फुल एकदम एक्शन सीन दिखाया हुआ है, एकदम बेटे का भी एकदम अच्छा सीन दिखाया हुआ है और दीपिका पादुकोण भी बहुत ही अच्छा एक्टिंग वगैरह देखने को मिली है और मूवी तो काफ़ी अच्छी एक्शन वाली है. मूवी बहुत अच्छी लगी जवान. इट्स अ मस्ट वॉच मूवी. हर किसी को देखना चाहिए. शुरू से लेकर एंड तक मूवी ने बांध के रखा है. हर समय मतलब आपको फील होते जाएगा, कभी एक्साइटमेंट तो कभी इमोशनल, फिर एक कनेक्शन, फिर लव स्टोरी. मतलब एक प्रॉपर मसाला पैक वाली मूवी जिसको कहते हैं, वो आपको इधर देखने मिलेगी. हाँ, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट हाफ है वो तो एकदम तोड़ू है, एकदम फैंटास्टिक मूवी का कह सकते हो. फर्स्ट हाफ जो है अमेजिंग है. जैसे एंट्री सबसे बेस्ट जो लगा है फर्स्ट हाफ में, जैसी एंट्री होती है क्या खतरनाक लेवल की एंट्री होती है, मजा आ जाता है देख करके. देन वापस से जो सेकेंड एंट्री होती है जो कि इंटरवल से पहले होती है, एक और वो सस्पेंस है क्या है, वो तो अगेन बहुत ही बढ़िया एंट्री है वहाँ पे, वो आपको देखना चाहिए. स्टोरी बहुत अच्छी है और मैं तो बोलूँगा भाई एटली ने बहुत अच्छा काम किया है. अमेजिंग डायरेक्शन और बाकी सब स्टारकास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया. जैसे केमिल्स हो गए, संजय दत्त का हो गया, दीपिका पादुकोण का हो गया, अमेजिंग था. एंड ओवरऑल मूवी देखा जाए तो बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड करती है एंड धीरे धीरे बिल्ड करने जाती है. लाइक इतने टाइम बाद कोई मूवी देख के लग रहा है कि सेकेंड हाफ देखने से पहले एक एक्साइटमेंट है, तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल का एक्साइटमेंट हमारे अंदर बिल्ड कर दिया गया था. तो आपको देखना चाहिए एंड मुझे तो लग रहा है ये बॉक्स ऑफिस पे बहुत तोड़ू कमाई करने वाले, बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले. आज हमने देखा फर्स्ट डे था जो कि आखिरी शो देख रहे हैं, टाइम बच चुके हैं. तो ऐसी मूवी हम देखना चाह रहे थे बहुत टाइम के बाद, वो आज देखने मिली है. और इससे बढ़िया कमबैक क्या ही हो सकता है. तो भगवान करे ये कमबैक हर किसी के जीवन में इस तरीके से. तो ये मूवी देखने के बाद और एक मुझे डायलॉग याद आया है, तो थोड़ा सुन लीजिए. पठान मूवी बनाएगा तो जवान देखने आएंगे, साथ में बूढ़े को भी लेकर आएंगे. बेटे से पहले बाप से बात करो फ्रेंड्स. इस वीडियो को अगर ये रिव्यू आपको पसंद आया, ये व्लॉग आपको पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें सेक्शन में आकर के वीडियो के नीचे. वीडियो पूरी देखें एंड हमारे साथ बनते रहिए. हम अगले व्लॉग में मिलते हैं आपको नए एक्सपीरियंस के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. सब्सक्राइब सिटी व्लॉगशिप. बाय. बेटों को मारोगे तो बाप भी आएगा. नहीं, क्या था वो डायलॉग? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दिल खोल के. दिल को विलन है अपने थालापति विजय. नहीं सॉरी, था क्या नाम है उसका, हिंदी जो भी है, बस बात तो खत्म. क्या नाम है विजय विलन, विलन का? तो विलन जो है वो भी तो आपको पता ही है कौन है विलन.